प्रदेश ईटक पर परिवारवाद हावी था, जिससे ईटक को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत दिलाई है। पूर्व में ईटक की अग्रिम पंक्ति के नेताओं की वजह से ही संगठन कमजोर हुआ है। जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया था, वो ही लोग ईटक के उच्च पदों पर आसीन थे, जिन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखाया है। ईटक के पूर्व नेताओं की गलतियों के कारण ईटक पिछड़ रही थी, जिसकी वजह से कई कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने ईटक को सींचा था, वे अपमानित होकर संगठन छोड़ने को मजबूर हुए। ये बात हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ ईटक के प्रदेश अध्यक्ष जगरूप सिंह, महामंत्री दिलीप कुमार व रविंदर सिंह जाट व धर्मशाला इकाई प्रधान विपिन कुमार ने धर्मशाला में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रदेश अध्यक्ष जगरूप सिंह ने कहा कि अब ईटक प्रदेश अध्यक्ष बबलू पंडित के नेतृत्व में ईटक को मजबूती प्रदान की जाएगी। संगठन के पूर्व पदाधिकारियों की वजह से संगठन छोड़कर गए कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर संगठन से पुनः जोड़ा जाएगा। परिवहन कर्मचारियों को आईआर देने, पीस मेल व टीएमपीए कंडक्टर को नियमित करने सहित अन्य मांगों को परिवहन प्रबंधन के समक्ष उठाया जाएगा। वहां बात न मनी तो परिवहन मंत्री से भी अगर समस्या न हल हुई तो सीएम के समक्ष मांगों को उठाकर उनके समाधान का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मियों को 21% आईआर दे दी गई है, जबकि परिवहन कर्मियों को इससे वंचित रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगरूप सिंह का कहना है कि ईटक संबंधित एचआरटीसी कर्मचारी महासंघ की आधा दर्जन से अधिक यूनिट कमजोर है, वहां नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महासंघ की 27 यूनिट है, जिनमें से 21 तक हमने पहुंच बना ली है। उन्होंने बताया कि नए बने निगम डिपो में भी अभी यूनिट का गठन नहीं किया गया है। मजबूत आज हमने जो ये वार्ता की है, सबसे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करने के लिए कि जिन्होंने हमारे ईटक के चुनावों के लिए मनोहर लाल शर्मा जी को, उर्फ बबलू पंडित जी को इन प्रदेश की कमान सौंपी है। उन्होंने मुझे मनोनीत किया है प्रधान के लिए। एचआरटीसी के कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। बहुत सी समस्याएं हमारी आज लंबित हैं। सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 21% आईआर इंटरनल रिलीफ जो जिसका फायदा कर्मचारियों को मिल चुका है, हमारे परिवहन के कर्मचारी उससे वंचित हैं। पिछले एक वर्ष से हमारा रात्रि भत्ता, नाइट ओवर टाइम जो है वो नहीं मिला है। उसके लिए हमारे अनुबंध पर कर्मचारी पिछले 8 सालों से पक्के होने की आस में बैठे हुए हैं। पीस मेल हमारे बहुत से कर्मचारी जो हैं वो पक्के होने की उम्मीद में, पक्की होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार से शिमला में परिवहन मंत्री से बात करूंगा, मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करूंगा। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से समस्त कर्मचारियों के हित की बात करूंगा और इसका हल निकालूंगा और कर्मचारियों को कोई ना कोई हिंट की तरफ से तोहफा दिलाऊंगा। सर, जहां कांग्रेस की गुटबाजी जो जग जाहिर है, अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं, इसमें ईटक कैसे काम करेगी? ईटक एक मजदूर संगठन है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो सब पार्टियों में होती है, चली रहती है, लेकिन ईटक में कोई भी गुटबाजी नहीं है। जो सरकार के विरुद्ध, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जो भी संगठन का नेता कर्मचारी काम करेगा उसको पार्टी से बाहर निकाला जाएगा।